तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम बताएंगे पेपल अकाउंट बनाने के लिए, जिससे तमाम सारे कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में आ रहे थे कि भाई मुझे बता दो पेपल अकाउंट कैसे बनाए, जिसमें हमारे पैन कार्ड मांग रहे हैं, क्रेडिट कार्ड मांग रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस सब चीज़ों की जरूरत पहले नहीं पड़ती अकाउंट बनाते वक्त। ये जरूरत पड़ती है जब आप बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, उस समय आपको अपना अकाउंट वेरीफाइड कराना होता है अपने बैंक से। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप क्या कैसे अपने पेपल अकाउंट को बना सकते हैं और वेरीफाइड करा सकते हैं। तो मैं हूं अफरोज रब्बानी और आप देख रहे हैं टेक्निकल रब्बानी। सब्सक्राइब कीजिए अपने इस चैनल को और दबाइए इस घंटे को। तो दोस्तों आप अगर हाई स्टार पे पैसे कमा रहे होते हैं तो आपको एकदम जरूरी है आपके पास पेपल अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि मैंने इस पे पहले एक हाई स्टार से पैसे कैसे कमाते हैं वीडियो अपने बना चुका है, सेपरेट वीडियो। आप चाहे तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं, या आप इधर आई बटन में भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बता दें आपको पेपल अकाउंट कैसे बनाते हैं अपने फ़ोन में। हम आपको मैन्युअली करके दिखाएंगे, आप चाहें तो उस प्रोसेस को अपना के अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल क्रोम ब्राउजर में, अपना गूगल में सर्च करना है पेपल अकाउंट। तो यहाँ पे पेपल लिखेंगे तो पेपल आ जाएगा, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ही दिख जाएगा paypal.com पे। आप वहाँ पे जाएंगे, उसे जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड डॉट पे क्लिक करके आपको इसे डेस्कटॉप वर्जन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप जब यहाँ पे जाएंगे तो साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन अप यहाँ ऊपर ही दिख रहा है। आप यहाँ से साइन अप पे जब क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको इसमें आपको पूछा जाएगा बिजनेस अकाउंट के लिए और पर्सनल अकाउंट के लिए। तो आप पर्सनल कॉन्टेक्ट करना है तो उस पर जब क्लिक करके आप पर्सनल पे जाके गेट स्टार्ट पे करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने कंट्री को सेलेक्ट कर देना है। मैं सऊदी अरबिया में इस समय हूँ, इसलिए यहाँ पे सऊदी अरबिया। आप अगर इंडिया में तो ऑटोमेटिक इंडिया आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे इंडिया हम चयन कर लेते हैं, तो ये आ गया अपना इंडिया, और इंडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे वो कन्वर्ट हो गया इंडिया में। यहाँ पे अब आपको क्या करना होगा, आपको इसमें अपना ईमेल आईडी भरना होगा और नीचे से अपना एक पासवर्ड भर देना है, जो कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप भरिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे अकाउंट को पूरी लिंक करना होता है। तो आप यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप पासवर्ड बनाते वक्त कोई ऐसी गलती ना करें कि नॉर्मल पासवर्ड हो। यहाँ पर मैंने पासवर्ड भर दिया, दोनों ऊपर नीचे मैच हो गया। तो यहाँ पर हम करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर तमाम सारे बेसिक जानकारी आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम भरना होगा, डेट ऑफ बर्थ भरना होगा, आपका नेशनलिटी इंडिया तो इंडिया कर देना। इसके बाद लैंड बार लैंड तमाम सारी इसी आपको चीज़ें, सिटी टाउन, और आपको यहाँ पे जिला का पिन कोड, आप स्टेट भरना होगा, आप किस स्टेट से उसको कंफर्म करके आपको यहाँ पे आई गेट एग्री पर आपको यहाँ पे टर्म कंडीशन अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ताकि इनके टर्म कंडीशन क्या है आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आपको क्या मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे अब पिन कोड भर देता हूँ अपना ज़िले का, तो यहाँ पे 2733 है मेरा, तो मैं भर दिया उसको। मैं अपना नेम हम नहीं भर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी आपको कार्ड की पैन कार्ड या क्रेडिट कार्ड कोई भी जानकारी नहीं लग रही। यहाँ पे मैं एग्री करके उसके बाद गेट एड कंटिन्यू पे करूँगा, गेट एड अकाउंट के लिए। तो यहाँ पे आप पूरी चीज़ें भर के आप जब कंटिन्यू करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपको ईमेल पे या फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा, उसे कंफर्म कर दीजिएगा, आपका अकाउंट तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया इस वीडियो में कि आपको पहले ना तो कोई पैन कार्ड चाहिए ना क्रेडिट कार्ड चाहिए, आपको कुछ भी अपने बस नाम, एड्रेस और पिन कोड और जहाँ तक आपका स्टेट है इंडिया यही वगैरह भरना होगा, अपना फ़ोन नंबर वेरीफाइड कराना होगा। उसके बाद आपको एग्री करके कंटिन्यू प्रोसेस पे कर देंगे, उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। लेकिन शुरू में आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, जब आपको पैसे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत होती है वहाँ पे आपको 1 या 2 रुपये बोलता है पेपल अकाउंट कि आप ट्रांसफ़र करके पहले चेक कर लीजिए आपके अकाउंट सही है कि नहीं, उसके बाद आपको उसमें जितना चाहे 2000, 4000, 50000 जितना भी ट्रांसफ़र करना रहता है कर लेंगे। लेकिन शुरू में आपको 2-3 रुपये ही ट्रांसफ़र करने के लिए पेपल अकाउंट बोलता है, क्योंकि अगर आपका 2-3 रुपये जाता है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, लेकिन अगर ज़्यादा ट्रांसफ़र कर लेते अगर गलत चला जाता है तो आपको वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये सावधानी बरतनी होती है कि आप जब ट्रांसफ़र करते हैं वहाँ पे अपने अकाउंट को वेरिफिकेशन कराने के लिए आप 2-3 रुपये का ट्रांसफ़र करिए, उसके बाद अपने बैंक में जाके वहाँ से और जितना भी जो भी प्रोसेस है आप वहाँ से जाके रजिस्टर करवा लीजिए, वेरीफाइड करवा लीजिए, तभी आपका अकाउंट नंबर लगेगा, आपका पैन कार्ड वहाँ पे भरना होता है, बाकी शुरू में अकाउंट बनाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोजाना मैं ऐसे नई नई वीडियो लेके आता रहता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।